सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। जी हां साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जोगिंदर की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एलविस यादव के साथ में, अब पुनीत सुपरस्टार भी इसके अंदर कूद गए हैं। और पुनीत सुपरस्टार ने एलविस यादव के बारे में क्या कहा है, जरा देखिए ये क्लिप और डिसाइड कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं ये। बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई एलविस यादव के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। भाई एलविस यादव के बारे में मैं क्या ही कहूँ, एलविस यादव के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि भाई को गाड़ी चलाने के सिवा और कुछ नहीं आता। ना भाई को डांस आता है, ना कॉमेडी आती है, ना कोई एक्टिंग आती है, ना कोई पंच मारना आता है, ना कोई हंसाना आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ गाड़ी चला। हाँ, गाड़ी भाई बहुत अच्छी चलाता है रोड पर, इतना सबको मालूम है। क्या इसके अलावा टैलेंट क्या है भाई में, टैलेंट क्या है? या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सिस्टम बोलना आता है, इसके अलावा क्या टैलेंट है भाई में? बस भाई इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप लोग फॉलो करते हो, आप लोगों को पता होगा। तो साथियों, आपने क्लिप तो देख लिया है, तो बात हो गई यहाँ पर एलविस यादव की, तो एलविस यादव के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या एलविस यादव ने फिर से यहाँ पर फुकरा इंसान को पोक कर दिया है? उनके चैनल पर दो दिन बाद एक चैलेंज वीडियो आया है, तो उसमें वो कुछ पोक करते हुए नजर आए। जरा देखिए ये, अच्छे लोगों के साथ हमेशा होती है, डिजर्विंग वाले बोलने वाले कभी नहीं जीते। तो साथियों, आपने वीडियो देख लिया, आपको क्या लगता है, आपको ये सच में पोक लगा या कोई मजाक था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना।